तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो फाइनली जब कभी भी इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है आप उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाते हो। इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको छोटे छोटे क्लस्टर्स में ब्रेक कर लोगे, जिसके हर क्लस्टर का आपको सिंगल फॉर्मूला पता होगा कि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचना है। चलिए वहाँ तक कोशिश करते हैं पहुँचने की। तो रूट से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 3 √x और x² प्लस 2 √x x और प्लस क्या हो गया आपका, 3 √x हो गया dx। ठीक है, अब देखिए रूट में तो हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, सारा एक्सपोनेंट के टर्म में फॉर्मूला होता है। तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो हर जगह हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, पावर 1/2। अब सोचिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 + 2 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5/2, यहाँ पे 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे तो सिंगल टर्म है ही है। अब क्या करें, इंटीग्रेशन चूंकि लीनियर ऑपरेटर होता है जैसे डिफरेंशिएशन होता है, तो आप अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, उसी तरह से आप अलग अलग फंक्शन, इन तीनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ये इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है, अदरवाइज हम नहीं कर पाते। dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ / 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x²/2 dx। ठीक है, तीनों फंक्शन को आपने अलग अलग कर लिया, लेकिन कांस्टेंट जो होते हैं ये हमेशा डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है, यहाँ भी 2 बाहर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 बाहर आ गया। अब देखिए हम इसी स्टेप की रिक्वायरमेंट कह रहे थे कि आप इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाना है, ये पहुंच चुका है। आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंगल फॉर्मूला पता है, x²n का फॉर्मूला प्लेस कर देंगे, यहाँ भी वही x²n का, यहाँ भी x²n का, मतलब ये वो स्टेप आ चुकी है जहाँ पर हमें पहुँचना था या इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुँचाना था। तो यहाँ प्लेस कर दीजिए फॉर्मूला आप, x²(5/2) +1/(5/2) +1 +2 x²(3/2) +1/(3/2) +1 +3 x², क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2 +1 हो जाएगा। अब देखिए ये 5/, ये चीज़ सॉल्व करी जा सकती है, 5/2 +1 7/2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 7/2, और वही चीज़ नीचे है तो नीचे भी आपका 7 और बाई 2 का 2 ऊपर आएगा, और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6/7 समथिंग आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 3/2 + 1 5/2 हो जाएगा ये, तो दैट बिकम 5/2, नीचे भी 5/2 होगा, लेकिन 5 नीचे 2 ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 3/2 हो जाएगा, 3/2 नीचे भी 3/2, ठीक है, लेकिन ये 2 ऊपर चला जाएगा और जो 3 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बचा, 2 बचा यहाँ पे। ठीक, और एक फाइनल स्टेप, आप जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रल अटेम्प्ट करते हो तो फाइनल आंसर में प्लस एक इनडेफिनिट कांस्टेंट सी होता है। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर।